कल मुरली चल रहे थे, 17-8-6-6 के प्रश्न दो के मध्य में बात चल रही थी, आखिर ये रावण कौन है, कोई है या नहीं है। हवा है क्या, कोई आत्मा है क्या, राम आत्मा है या हवा है? आत्मा, राम आत्मा है तो रावण क्या होगा? आत्मा ही होगा। राम रावण दोनों एक दूसरे के दुश्मन है ना, बेसिक नॉलेज में क्या बताया गया, कि हमारी आत्मा में जो पांच विकार की कमजोरियां हैं वो रावण है। अच्छा, हर आत्मा में वो पांच विकारों रूपी कमजोरियां नंबर वार है या एक जैसी है? नंबर वार। आप कमजोर कमजोर होते जा रहे हैं। नंबर वार कमजोरियां है तो कोई आत्मा 100% काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाली भी होगी? नहीं। और कोई आत्मा नंबर वार परसेंटेज में होगी, होगी या नहीं होगी? होगी। तो पूछा आखिर ये कौन है, आखिरीन कोई तो ऐसी आत्मा होगी दुनिया में जो काम विकार में 100% हो, नहीं तो क्यों गायन है? शंकर जी ने क्या किया? कामदेव को भस्म किया। अब भक्ति मार्ग में तो उसे देवता बताई दिए, अब देवता में तो विकार होते ही नहीं है। जरूर देवता बनने से पहले कोई दुनिया का सबसे बड़ा महाकामी होगा जिसके अंदर जो देह अभिमान में काम विकार की अनुभूति भरी हुई है उसको भस्म किया होगा। ऐसे ही क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह और अहंकार भी होगा, नंबर वार तो जरूर होते हैं। अगर दुनिया के धर्मों के हिसाब से देखा जाए तो इस्लाम धर्म में जितना काम विकार है और काम विकार के आधार पर जितना व्यभिचार है उतना और दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। और इस्लाम धर्म का मुखिया कौन? प्रेस। कोई तो होगा। इस्लाम धर्म का प्रवर्तक आरंभ करने वाला कोई तो होगा। कब से शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ? क्योंकि और धर्मों की तो हिस्ट्री का सबको पता है, बहुतों को पता है, कम से कम इस्लामियों को तो पता है कि आज से 2500 वर्ष पहले इब्राहिम आए और उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया। उससे पहले और कोई भी दूसरा विधर्मी नहीं था, सिर्फ एक ही धर्म था। हिस्ट्री इस बात को बताती है, एक धर्म था, एक ही राज्य था,
एक ही राजा होता था, एक प्रकार की धारणाएं थी, इसलिए 2500 वर्ष की जो पहले की हिस्ट्री है सुख शांति की दुनिया की, जो अंग्रेज लोग भी मानते हैं कि भारत में क्राइस्ट से 2000 साल पहले पैराडाइज था, ऐसे तो इस्लामी भी मानते हैं, उनके शास्त्रों में भी है जन्नत का जिक्र, जन्नत थी, लेकिन कहां थी ये कुछ नहीं बताया। और भारत में तो प्रसिद्ध है कि भगवान ने महाभारत युद्ध कराया 5000 साल पहले, और महाभारत युद्ध के बाद तो शांति होती है ना, युद्ध से पहले शीत युद्ध होता है, झगड़ा चलता है अंदर अंदर, एक दूसरे की काट चलती है, तो ये साबित होता है जो दुनिया की खुदाइयां हुई है उनमें भी यह साबित होता है कि 2500 साल 3000 साल से पुरानी कोई चीज नहीं मिली। हिस्ट्री इस बात को बताती है लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने दूसरी बात कह दी है कि डायनासोर मिले, उनकी हड्डियां मिल रही हैं कैलकुलेशन में लाखों वर्ष पुरानी। अब वैज्ञानिकों की बात पर विश्वास किया जाए या शास्त्रों की बात पर विश्वास किया जाए या भगवान स्वयं आकर के बताए हिस्ट्री ज्योग्राफी सृष्टि की, उस बात पर विश्वास किया जाए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने तो डार्विन थ्योरी भी निकाली, सभी ने माना कि हाँ डार्विन थ्योरी सही है, मनुष्य पहले बंदर मिसल था, धीरे धीरे उसकी पूंछ खत्म हो गई और वो मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। बाद में वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को झूठ साबित कर दिया, क्योंकि वैज्ञानिक भी तो मनुष्य है ना, मनुष्यों की बुद्धि विकारी होती है, विकारी बुद्धि के वशीभूत होकर के वो गलत कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। भगवान इस सृष्टि पर आकाई है विकारी दुनिया को खलास करके निर्विकारी देवताओं की दुनिया बनाने, और धर्म पिताएं आते हैं 2500 वर्ष के अंदर, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह, वो अपना धर्म तो स्थापन करके जाते हैं, धारणाएं तो स्थापन कर देते हैं, लेकिन पुरानेपन का विनाश नहीं करते, पुरानी मान्यताओं का विनाश नहीं करते, अंधश्रद्धा अंधविश्वास के ऊपर कुठारा घात नहीं कर पाते। भगवान इस सृष्टि पर जब आता है तो पुराने धर्मों का विनाश करता है, सब धर्मों का जो पुराने पड़ गए हैं, तामसी हो गए हैं, क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान सुखदाई होती है और बाद में धीरे धीरे तमो प्रधान दुखदाई हो जाती है, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई जड़ वस्तु, हर चीज पहले सत्व प्रधान सुखदाई और बाद में तमो हो जाती है, चार अवस्थाओं से गुजरती जरूर है, जैसे मनुष्य का जीवन
बाल्यकाल, किशोरावस्था, नौजवान और फिर बुढ़ापा, सुख भोगने की भी क्षमता नहीं रहती। तो ये सृष्टि भी चार आयामों से पसार होती है, जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। सक्त युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चार सीन का ये ड्रामा है। उसमें दो पहले सीन सुख के हैं, सुख रूपी दिन है, ज्ञान सूर्य की रची हुई दुनिया है, और बाद के दो युग द्वापर से लेकर कलयुग तक, ये अज्ञान अंधेरे की दुनिया है। इस अज्ञान अंधेरे की दुनिया की रचना मनुष्य गुरुओं ने की है, इब्राहिम के फॉलोअर्स, सैकड़ों नहीं हजारों नहीं अरब है, अरब की तादाद से भी ऊपर है, क्रिश्चियंस के फॉलोअर्स भी 100-150 करोड़ से ऊपर है। दुनिया की इतनी बड़ी जनरेशन के ऊपर आदिभक्त जना जमाने वाले ये देहधारी धर्मगुरु मनुष्य गुरु, इन्होंने आकर के संसार में अज्ञान फैलाया और दुनिया अज्ञान अंधेरे में डूब गई। अभी माया का पॉम्प एंड शो 100-200 वर्ष के अंदर इतना ज्यादा फैलता है, पश्चिमी सभ्यता से, पश्चिमी देशों से लेकर के भारत तक, कि सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं, चकाचौंध हो जाती है। क्या क्या निकला है, जो भी निकला है वो जन सामान्य के कल्याण नहीं उससे हो रहा है। एटम बम निकले, क्या उससे जनता का कल्याण हो रहा है? एरोप्लेन निकले, कितनी दुनिया की परसेंटेज आत्माएं एरोप्लेन से लाभ ले पाती है? ना के बराबर। और भी वैज्ञानिक चमत्कार हो रहे हैं, बेबी ट्यूब्स बनाए जाते हैं, उनसे बच्चा पैदा किया जाता है। लेकिन क्या उसमें जो आत्मा आती है वो आत्मा का परिष्करण होता है? नहीं होता। बीज को जब तक नहीं सुधारा है तब तक संसार का कल्याण नहीं हो सकता। प्रकृति के ऊपर कंट्रोल किया है मनुष्य ने, आत्मा के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। आत्मा भी अविनाशी है, प्रकृति के 5 तत्व भी, एलिमेंट्स भी अविनाशी है, लेकिन प्रकृति मनुष्य के कंट्रोल में आ चुकी है बहुत कुछ, लेकिन इतनी कंट्रोल में नहीं आई है। जो उसको सात्विक बना करके सतो प्रधान प्रकृति बना सके, ये ईश्वर का ही काम है, वो ही प्रकृतिपति कहा जाता है। वो मायापति भी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो आत्मा में कमजोरियां आ जाती है।
ऊपर भी कंट्रोल करने वाला है और मनुष्य आत्माओं को भी कंट्रोल कराने वाला है। ये पांच विकारों का कंट्रोलर मायापति कहा जाता है। माया का पंजा है ये पांच विकार, तो मायापति भी है प्रतितिपति भी है। पांच तत्व काम वो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये एलिमेंट्स जिन्हें मनुष्य ने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है। मनुष्य का शरीर भी इन पांच तत्वों से बना हुआ है, पूरी काट छांट कर लेता है। लेकिन मनुष्य शरीर में से आत्मा जो निकल जाती है उसकी पकड़ मनुष्य के हाथ में नहीं आई। क्योंकि वो मायापति और प्रकृतिपति है और लक्ष्मीपति भी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य सतयुग में होता है। गिरती कला वाले युगों में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में नहीं होता। तो वो संपूर्ण दुनिया बनाने वाला है। कलयुगी झूठ दुनिया को पलट करके सतयुगी 16 कला संपूर्ण दुनिया बनाने वाला है। वो आता है तो बताता है कि राम कौन है और रावण कौन है। बेसिक नॉलेज लेने वाली ब्रह्मा कुमारिया ये बात नहीं बता सकती, वो तो राम को ही छुपाई देती। कृष्ण की सोल को उजागर कर दिया और राम का डब्बा गोल कर दिया। कहती है कि कृष्ण दादा लेखराज वही गीता का भगवान है साकार रूप में, उसके अलावा और कोई मनुष्य मात्र नहीं हो सकता। जबकि किताबों में लिखा हुआ है गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान निराकार शिव है। अरे गीता कोई किताब का नाम होता है क्या? गीता माता कही जाती है, भारत माता कही जाती है, जिसकी वंदना करते हैं, पूजनीय मानी जाती है। तो कोई जड़ जमीन का ना भारत है? सर्वशास्त्र शिरोमणि कही जाती है। शास्त्र माना शासन करने वाली, वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, खास भारतवासियों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं। अगर उनके लिए सारी दुनिया कुटुंब के रूप में होती तो वो अपने देशों से विदेशियों को या भारतवासियों को भगाते नहीं रहते। भारत की आज भी परंपरा है, जो भी विदेशी भारत में आए, भारत ने अपनी गोद में उन विदेशियों को जगह दी। मुसलमान आए, आक्रमण भी किए, तहस नहस किया, लूट लपोट की, मारकाट मचाई, फिर भी उनको जगह दी। क्रिश्चियंस आए, सारे भारत को अपनी मुट्ठी में ले लिया, उंगली पे नचाना शुरू कर दिया, राजाई की व्यवस्था तहस नहस कर दी, आपस में लड़ाई किया। वो क्रिश्चियंस भी भारत के हर शहर शहर गांव गांव में बसे हुए, भले उनका राज्य नहीं।
तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत माता की गोद में सभी ने पालन ली। तो पालना देने वाली कोई चैतन्य शक्ति भी होगी ना, जिसकी वंदना की जाती है, पूजा की जाती है, वो शक्ति कौन है? ऐसा तो नहीं है उस आत्मा को धूल धूसरित कर दिया गया हो। वो रावण की जेल में आ चुकी हो। रामायण में लिखा है माताओं का उद्धार करने के लिए आता हूं। धरणी माता जब बहुत दुखी हो जाती है तो उसका उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है, खास माताओं के लिए। हिसाब लगाया जाए, देखा जाए कि दुनिया में जास्ती बंधन पुरुषों को है, माताओं को है, कन्याओं को है या कुमारों को है? आप क्यों बोलते हैं? आप माता है इसलिए? आप लोग बताइए, आज की दुनिया में माताएं भी हैं, कुमार भी हैं, अधर कुमार भी हैं, शादी किए हुए और कन्याएं भी हैं। सबसे जास्ती स्वतंत्र कौन है और सबसे जास्ती परतंत्र कौन है? हर देश की गवर्नमेंट भी समानता में लाने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो बताइए, कन्याओं, माताओं, पुरुषों, कुमारों के बीच में सबसे जास्ती परतंत्र कौन है? आप ज्ञान में चल रहे हैं, इससे फट से बता रहे हैं। यहां कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जिन्होंने भट्टी भी नहीं की है, बैठे हैं ना? हाँ, बैठे हैं। तो ज्ञान योग की भट्टी में पकने के बाद पूरी बात पता चल जाएगी। तो जो नए नए जैसे बैठे हुए वो बताएं कि दुनिया में जास्ती दुखी कौन है? कन्याएं, माताएं, कुमार, हिंदी अनुवाद कर दो, शायद हिंदी नहीं जानते माता, वो सब जानते हैं। घर घर की स्थिति ऐसी है, ये बात ऐसे कहते हैं भारत में, अर्धांगिनी है, आधे की हकदार है, आधे की हकदार है। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए तो बैंक बैलेंस जास्ती पुरुषों के नाम होता है या माताओं कन्याओं के नाम होता है? किसके नाम होता है? पुरुषों के नाम होता है। इसका मतलब तन के ऊपर, धन के ऊपर और मन के ऊपर भी आधिपत्य पुरुषों का जमाया हुआ है। तो माताएं कंट्रोल्ड हुई पड़ी, बंधन में है। ये उस भारत की बात है जहां शास्त्रों में ये गायन है, यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है, सम्मान से जहां देखा जाता है वहां देवताएं निवास करते हैं, जहां नारियों का अपमान होता है वहां राक्षस निवास करते हैं। तो भगवान आते हैं माताओं का उद्धार करने के लिए, उनको कहा जाता है धरणी माता।
शास्त्रों में जो नाम है वो काम के आधार पर है। धरणी माना धारणा करने वाली, जैसे प्योरिटी की धारणा है, प्योरिटी माना पवित्रता, ब्रह्मचर्य। पुरुषों में जास्ती प्योरिटी निभाने का ताकत होती है या कन्याओं माताओं में प्योरिटी निभाने की ज्यादा ताकत होती है, खास भारत में, विदेशों की बात छोड़ो। अगर यहाँ माताएं ज्यादा बैठी हुई है तो हाँ ज्यादा बैठी हुई है, इससे साबित होता है कि भाइयों ने उनको स्वतंत्र किया हुआ है नेल्लूर। दूसरी जगह के मुकाबले फिर भी स्थिति अच्छी है। तो बात चल रही थी कि माताएं जब इस शक्ति में बंधन में आ जाती है तो भगवान को आना पड़ता है, चाहे वो सीता माता हो और चाहे वो मंदोदरी हो। मंद उदरी, बुद्ध रूपी पेट कैसा है? मंद बुद्धि है। अंदर से राम को सपोर्ट करती है, क्या अंदर से चाहती है कि राम का राज्य हो, लंका में भी राम का राज्य हो, राम सच्चे हैं। लेकिन रावण का अपोजिशन नहीं कर पाती, छोड़ नहीं पाती, और सीता मंदोदरी के मुकाबले उतनी बंधन में नहीं होती, नहीं बंधन में होती है। मंदोदरी कम बंधन में और सीता जास्ती बंधन में होती। नाम क्या दिया? सीता। सीता माना शीतल, जो भाव स्वभाव से शीतल है। धारणा शक्ति वाली है, पवित्रता की धारणा वाली है। ऐसी पवित्रता की धारणा जो सब गुणों की जननी है, प्योरिटी। जहां पवित्रता होगी वहां बुद्धि भी पवित्र होगी। पवित्र बुद्धि होगी माने सुमति होगी। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने लिख दिया है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। तो पवित्रता की धारणा कन्याओं माताओं में जास्ती होने के कारण भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कन्याओं माताओं के हाथ में कलश देते हैं ज्ञान का। अपने यहां कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो कलश भर करके रखेंगे नवग्रह के पास, नवग्रह पूजन के लिए। वो कलश कोई पानी का कलश नहीं है, ज्ञान जल का कलश। तो ज्ञान जल का कलश है, शास्त्रों में गाया हुआ है कि सागर मंथन हुआ, माना ज्ञान सागर भगवान के सुनाए हुए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन हुआ। असुरों ने भी मंथन किया और देवताओं ने भी मंथन किया। उस मंथन में से सबसे श्रेष्ठ चीज क्या निकली? अमृत, अमृत कलश, ज्ञान अमृत का कलश। और सबसे गंदी चीज क्या निकली? हाला हाल विष। विष माना विषय विकार, क्या विषय विकार। तो कलश किसको दिया गया? देवताओं को दिया गया।
उनको तो ज्ञानामृत बांटा गया, लेकिन किसके हाथ में दिया गया बांटने के लिए? माता के हाथ, लक्ष्मी के हाथ, ग्रह लक्ष्मी जिसे कहते हैं। घर घर में भी तो ग्रह लक्ष्मी होती है ना। घर की लक्ष्मी अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की लक्ष्मी अगर कुलक्षिणी हो तो घर नरक बन जाए। तो लक्ष्मी के हाथ में कलश ज्ञान का दिया जाता है। कौन सा कलश? जो मंथन करने के बाद निकलता है वो कलश नहीं, जो ब्रह्मा कुमारियां तथाकथित तो बताती हैं कि ज्ञान कलश भगवान ने हमको दिया। ठीक है, ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सारी दुनिया में स्थापन हो गए, गांव गांव शहर शहर में स्थापन हुए। दुनिया वालों को मानना पड़ेगा कि हाँ ब्रह्मा का कार्य चल रहा है। ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकल रही है, ये प्रैक्टिकल बात है। लेकिन जो वाणी निकल रही है उस वाणी को ज्ञानामृत नहीं कहा जा सकता। अमृत क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि जो भी वाणी निकली है माउंट आबू से ब्रह्मा के मुखो द्वारा, उसका मंथन नहीं हुआ जब तक ब्रह्मा जीवित रहे। और मनन चिंतन मंथन जब तक नहीं होता है ज्ञान सागर की वाणी का, तब तक वो ज्ञान अमृत नहीं है। ज्ञान का अमृत कलश नहीं कहा जा सकता, तो वो तो झूठी बात कहते हैं कि हमको ज्ञान अमृत कलश मिला हुआ है, हम लक्ष्मी का पाठ बजाने वाले नहीं। अमृत कलश की रचना ही नहीं हुई थी जब तक वो जीवित रहे। अमृत कलश का कनेक्शन सागर मंथन से, उनके शरीर छोड़ने के बाद उनके द्वारा जो वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से उच्चारण की गई, जैसा शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वो वेदवाणी मनन चिंतन मंथन की प्रक्रिया में आने लगी। और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में दो हिस्से हो गए, चाहे उनको कौरव पांडव कह दो और चाहे उनको देव और असुर कह दो। क्योंकि शास्त्रों में जो भी देवासुर संग्राम प्रसिद्ध है, रामायण की कथा प्रसिद्ध है, महावारी महाभारत ग्रह युद्ध प्रसिद्ध है, वो सब इस समय की बात है। इस समय की, जब के एटम बम बन जाते हैं शंकर जी का काम तैयार हो जाता है। हर हर बम बम, वो कार्य तैयार हुआ पड़ा है। वो कोई खिलौने नहीं तैयार हुए हैं कि हमारे घर की सजावट की जाएगी। जो चीज बनी है वो काम में लाई जाएगी। और धर्म पिताएं तो विनाश करते ही नहीं, पुरानेपन का, पुरानी जनरेशन का, पुराने धर्मों का। ये तो भगवान है, जब इस सृष्टि पर आता है तो नई दुनिया की स्थापना के साथ साथ पुरानी दुनिया का विनाश का भी मसाला तैयार करा लेता है। तो एक तरफ अमृत कलश निकलता है, जो कन्याओं माताओं को सुपुर्द किया जाता है,
कि तुम ज्ञान जल बांटो। बांटा जाता है तो भी असुर चालाकी करते हैं। क्या चालाकी करते हैं? है? नंबर लगाया गया देवताओं का पहले, कि देवताओं को पहले बांटा जाना चाहिए, वो पहले अधिकारी है, उनमें प्योरिटी की पावर होती है, वो धारण कर सकेंगे। लेकिन असुर क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं, चुपके से नियम भंग करके देवताओं की लाइन में घुस करके बैठ जाते हैं। एक तरफ विषय विकार भी पीते रहते और दूसरी तरफ ज्ञान अमृत भी पीते रहते, तो वो ज्ञान उनके काम आएगा? काम नहीं आता, लेकिन पी तो लिया ना, तो अमर हो जाते। अमर हो जाते हैं माना उनकी आत्मा में वो संस्कार खत्म नहीं होते। आसुरी बनेगी लेकिन मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीज होता है, सर्दी में पौधा बनेगा, गर्मी में पौधा नहीं बनेगा। कोई बीज होता है, गर्मी में पौधा बनता है, सर्दी में पौधा नहीं बनता है। कोई बीज होता है, बरसात में उगता है, दूसरे मौसम में नहीं उगता। तो ऐसे ही ये बिंदु 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 आत्मा रूपी बीज है, जो भ्रकुटी के मध्य में यादगार के रूप में बिंदी या टीका लगाया जाता है। ये आत्मा यहां निवास है, इस आत्मा की रोशनी आंखों में से निकल रही है। ये आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है तो आंखें बटन हो जाती है, माने वो रोशनी, आत्मा रूपी रोशनी निकल गई, वो चैतन्यता चली गई। तो आत्मा में जो आसुरीपने के संस्कार भरे हुए हैं जन्मजात, जिन आत्माओं में, वो आत्माएं भी ज्ञान अमृत को पी करके अमर बन जाती है। उनको राव के इतना दे दिए, कहते हैं नौ ग्रहों की दशा बैठती है तो कोई के ऊपर राहु की दशा बैठ जाती है। अच्छी दशा बैठती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा है, बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। तो अभी वर्तमान में कुछ विशेष आत्माएं ऐसी हैं आसुरी संस्कारों वाली, जो भगवान ज्ञान अमृत बांट रहा है, बंटवाए रहा है, उसमें चुपके से ज्ञान भी लेती जा रही है और विषय विकार भी पीती जा रही है। उसका रिजल्ट क्या होगा वो उनको पता नहीं। अभी बाप पहचान आकर के दे रहे हैं कि ये संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुष माने आत्मा, पुर माना पूरी, स माना सेते सोने वाली, शरीर रूपी पूरी में सोने वाली है आत्मा माने पुरुष। वो पुरुष रूप आत्मा जो है वो इस समय दुनिया में दो रूपों में है, एक आसुरी रूप में और दूसरी देव आत्माओं के रूप में है। तो वो देव आत्मा है लेकिन असुरों के संग में आकर के सब असुर बन चुके। राम कृष्ण की आत्माएं भी जन्म लेते लेते
सतयुग त्रेता में जन्म लेते, द्वापर कलयुग में जन्म लेते लेते नीचे गिर चुके। गलती से उनको भगवान मान लिया, वो देवताएं थे, देवताओं में उच्च कोटि की आत्माएं थी। मनुष्य जब नीचे गिरता है तो राक्षस बन जाता है, और मनुष्य जब ऊंचा उठता है दिव्य गुण धारण करके तो देवता बन जाता है। गीता ज्ञान में ये बात बताई जाती है कि गीता ज्ञान नर अर्जुन को नारायण बनाने के लिए दिया गया था। अर्जुन नर था, मनुष्य था, मनुष्य को नारायण बनाने का ज्ञान दिया। नारी द्रौपदी थी, उसको नारायणी बनाने का ज्ञान दिया गया। भगवान ने ज्ञान दिया, लेकिन गलती से कृष्ण का नाम डाल दिया। अब गीता में तो कई श्लोक और कई शब्द ऐसे आए हैं जो गीता ज्ञानदाता निराकार समझा जा रहा है, समझ में आता है कि वो निराकार था, वो कोई साकार नहीं था। साकार माने देह अभिमानी, निराकार माने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो रूपक बनाए दिए है, समझने वाले समझ सकते हैं कि वो अर्जुन के रथ में आया। दूसरी तरफ शास्त्रों में लिख दिया है शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ, तो साबित हो गया ना कि जिस रथ में भगवान आया वो रथ अर्जुन का रथ था, माने शरीर रूपी रथ था। उस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके वो सुप्रीम सोल शिव निराकार ने पुरुषार्थ का अर्जन कराया, कमाई कराई। अभी वो कमाई कराए रहा है। कौन सी कमाई? जन्म जन्मांतर जो सुख मिलता है और दुख मिलता है, उस सुख और दुख पाने का रास्ता बताने की कमाई। गीता में कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई गई है। ये कर्म की गुह्य गति भगवान के सिवाय कोई नहीं समझा सकता, और गीता के सिवाय कोई नहीं समझा सकता। कुरान उसमें कर्मों की गुह्य गति के बारे में कुछ भी नहीं, बाइबल में भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ गीता है, वो भी मनुष्यों की लिखी हुई है। अब भगवान आकर के गीता ज्ञान देगा तो मुख से सुनाएगा या लिख करके गीता भेंट करेगा? सुनाएगा। क्या करेगा? धर्म पिताओं ने आकर के, मोहम्मद ने आकर के कुरान लिखी थी, क्राइस्ट ने आकर के बाइबल लिखी थी, गुरु नानक ने आकर के गुरु ग्रंथ साहब लिख करके दिया था, या डायरेक्ट मुख से बोला था? क्या दिया था? डायरेक्ट मुख से आकर के बोलता है, उसे लिखने की क्या दरकार? तो भगवान भी आकर के कोई मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है, रथ में, मनुष्य शरीर रूपी रथ, उसमें जो इंद्रियां हैं ये घोड़े का काम करती है। इन इंद्रियों को खुली छूट दे दो तो मनुष्य गड्ढे में चला जाएगा। इनको लगाम लगा के रखेंगे तो शरीर रूपी रथ सही काम करेगा, बीमार भी नहीं पड़ेगा, समाज की नजरों में भी श्रेष्ठ रहेगा, भगवान की नजरों में भी श्रेष्ठ रहेगा। सरकार भी, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, वो भी अंत में मान लेगी कि ये शरीरधारी आत्मा अच्छा कार्य करने वाली है। तो शरीर रूपी रथ में भगवान आता है निराकार शिव। वो निराकार शिव गर्भ से जन्म नहीं लेता, क्या? वो एक ही आत्मा ऐसी है
जो गर्भ से जन्म नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि वो कर्मों की गुह्य गति को जानने वाली, जो खुद ही 100% कर्मों की गुह्य गति को जानने वाला होगा वो कर्म बंधन में आवेगा क्या? जो दूसरों को कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है, राजयोग सिखाने वाला है, बताता है तुम बच्चे कर्म योगी बनो, हठ योगी न बनो। हाथ पांव बैठ करके बांध करके बैठ गए और भगवान को याद करने लग पड़े, ये आर्टिफिशियल याद है। कोई महबूबा अपने महबूबा को हाथ पांव बांध करके नहीं याद करता है। कारखाने में काम करेगा तो भी याद आएगी। कोई माँ अपने बच्चे को हाथ पांव बांध करके याद नहीं करती, रोटी पकाते भी बच्चे की याद आती है, वो असली याद है। याद को मनुष्यों ने, भगवान की याद को मनुष्यों ने आर्टिफिशियल बना दिया, ढोल मजीरा बजाए बजाए की याद करते हैं, गीत लगा के याद करते हैं। ये सब है हठयोग, जबरदस्ती। क्यों जबरदस्ती? इसलिए है कि भगवान की असली पहचान नहीं है किसी को। रामायण में लिखा है जे ही जानो ते ही देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। जिसको भगवान आकर के ज्ञान देता है वो ही जान सकता है भगवान की पहचान। भगवान के अलावा भगवान की पहचान कोई 100% नहीं दे सकता। दूसरे जितनी भी पहचान देंगे वो अधूरी पहचान देंगे। भगवान के सन्मुख पहुंच करके, सान्निध्य में आकर के जो जितनी गहराई से भगवान को पहचानेगा वो दूसरा नहीं बता सकता। वैसे भी कहते हैं किसी मनुष्य की करनी को जानना हो, चलन को जानना हो, तो उसके साथ रहने से ही पहचाना जा सकता है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य की गहराई को जानना चाहे तो दूर रह करके उसकी गहराई क्या है नहीं जानी जा सकती, पास में रह करके ही जाना जा सकता है। तो भगवान भी इस सृष्टि पर आकर के किसी मनुष्य रथ में प्रवेश करके मनुष्य रूप में कार्य करता है। उन मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी लिखा हुआ है कि मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। वो अपने अहंकार में रहते, बुद्धि का अहंकार बहुत बड़ा अहंकार होता है। तन सुंदर हो उतना बड़ा अहंकार नहीं चढ़ेगा, धन अरब खरब हो उतना बड़ा अहंकार नहीं चढ़ेगा। लेकिन कोई के पास बुद्धि है और बुद्धि के आधार पर 10-20-50 को कंट्रोल करके रखता है तो उसको बहुत अहंकार चढ़ता है। ये बुद्धि का परिवर्तन करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। बुद्धि माने आत्मा, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई दूसरी चीज नहीं है। शरीर मुर्दा हो जाता है तो ये नहीं कहा जाता कि मन बुद्धि इसमें रह गई, नहीं, मन बुद्धि रूपी आत्मा ही उड़ गई। जिस आत्मा में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं बुद्धि में, वो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर में आत्मा निकल जाने के बाद सारे तत्व मौजूद है, नाक आंख कान हाथ पांव, पांच तत्व, क्या निकल गया? वो मन बुद्धि की पावर निकल गई, वो रोशनी निकल गई, वो चैतन्यता निकल गई। तो वो चैतन्य आत्मा जो बीज है, ये शरीर वृक्ष है, वो बीज मूल रूप में जैसा होता है वैसा ही अपना पार्ट बजाता है।
वो आत्माएं राक्षसी स्वभाव की है। भगवान भी भले आ जाए, ब्रह्मा भी नीचे उतर आए, तो भी नहीं तब्दील होती। कोई आत्मा ऐसी है जो भगवान के आने पर राक्षसी स्वभाव त्याग करके, जो उनको संघ के रंग से मिला है, विधर्मियों के संघ के रंग से, उसको त्याग देती है और दैव पद प्राप्त कर जाती है। तो भगवान आकर के अभी पहचान दे रहा है राम कौन है और रावण कौन है। राम रावण बन जाता है, कृष्ण कंस बन जाता है, कब? कब? कलयुग के अंत में संघ के रंग में आके आते, जो आसुरी धर्म दुनिया में फैले हुए हैं, मानवीय धर्म दुनिया में फैले हुए हैं, उन विधर्मियों के चक्कर में आकर, विदेशियों के चक्कर में आकर के रामकृष्ण की आत्माएं भी नीचे गिर जाती है। एक शिव सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको किसी के संग का रंग नहीं लगता। उसकी यादगार हमारे मंदिरों में दिखाई गई, भारतवर्ष में और विदेशों में सबसे जास्तीन मंदिर किसके बने हुए हैं? कोई ऐसा देवता है जिसके सबसे जास्ती मंदिर बने, जिसकी सबसे जास्ती मूर्तियां बनी, लिंग मूर्तियां भी बनी है, विग्रह भी बना है, उसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। वो यादगार इस बात को बताई रही है कि वो मां का स्वरूप भी है उसके साथ, जो जलाधारी बनी हुई है वो माता का रूप दिखाया गया है, स्त्री का अंग दिखाया गया है और लिंग रखा हुआ है पुरुष रूप दिखाया गया है, और साथ ही साथ दोनों दिखाए गए, क्योंकि भगवान आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है, सन्यासियों की तरह स्त्री पुरुषों को अलग करना नहीं सिखाता, वो सिखाता है इंद्रियों को कंट्रोल करना। सन्यासी तो कायर है, घर बार छोड़ करके इसलिए जाते हैं कि साथ में रह करके पवित्र नहीं रह सकते। भगवान आकर के सन्यास योग नहीं सिखाते। वो भक्ति भी करना नहीं सिखाते, भक्ति में तो अंधश्रद्धा होती है, वो मनुष्य गुरु सिखाते। भगवान आकर के ज्ञान देता है और शास्त्रों में लिखा हुआ है भी रीते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। भगवान आकर के वो ज्ञान देता है, ज्ञान माना जानकारी से बनता है ज्ञानी। भारतीय गवर्नमेंट में आकर के उसका नाम पड़ा डाल दिया जानता पार्टी, जानता। वो तो सिर्फ नाम बताए दिए है, अगर जानता पार्टी है वो ही सच्ची है तो ये बताए कि ये कपड़े का झंडा कभी विश्व विजय करता है? विश्व विजय करके दिखलावे तब हो प्रभु हमारा झंडा ऊंचा रहे, कागज का कपड़ा झंडा विजय करता है विश्व को? विश्व विजय मनुष्य करेगा या कपड़ा करेगा? मनुष्य करेगा। कोई तीन कपड़े हुए हैं शरीर रूपी वस्त्र, ब्रह्मा की यादगार हरा कपड़ा, विष्णु की सात्विकता का यादगार सफेद कपड़ा, ये शरीर रूपी वस्त्र हैं, और शंकर की क्रांति का सूचक लाल कपड़ा। मन बुद्धि के अंदर संकल्पों का खून बहा देता है, ये सूक्ष्म क्रांति है ज्ञान की, और सूक्ष्म से लेकर के सारी दुनिया में स्थूल क्रांति भी होगी, स्थूल खून भी बहेगा। किनका बहेगा? जो परमात्मा का ज्ञान सुनकर संदेश लेकर के परिवर्तन नहीं होगी,
उनका खेल खलासा होना है, खून खराबा होना है। जो भगवान के बच्चे बनेंगे, ब्रह्मा के मुख से भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाता है, मुखवंशावली ब्राह्मण बनाता है, जो ब्राह्मण बनेंगे पवित्र, विनाश के पीरियड में, एटम बमों के फटाके के पीरियड में, वो भगवान से पाल लेंगे, प्रसन्न रहेंगे। कुरान में कयामत का बहुत जिक्र है। मुसलमान भी इस बात को जानते हैं कि विनाश के पीरियड में खुदा के बंदे बहुत आराम से रहेंगे, और जो खुदा की वंदना नहीं करने वाले होंगे, माथा टिकाने वाले नहीं होंगे, माने माथा नहीं झुकाएंगे, अपने अहंकार में रहेंगे, उनको बहुत दुख झेलने, और दुख झेलते झेलते खून खराबा होते होते आखिर बस में भूत हो जाएंगे। जो आने वाली नई दुनिया है, जो आने वाला सत्ययुग है, उस सत्ययुग में उनको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी उन्होंने अपनी आत्मा को सत्य नहीं बनाया। जो कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप, भगवान का संग नहीं किया। भगवान का संग करेंगे तो आत्मा में सत्य चित्त आनंदमयता के रूप आएंगे, गुण आएंगे। असुरों का संग करेंगे, जो आज दुनिया करती चली जा रही, खास करके भारत के पढ़े लिखे नौजवान, कन्याएं और कुमार विदेशी सभ्यता से इतने प्रभावित हो गए हैं, विदेशी पढ़ाई से इतने प्रभावित हो गए हैं कि वो ईश्वरीय पढ़ाई को बिल्कुल महत्व ही नहीं देते। अरे भगवान को सदगुरु कहा जाता है, सदगुरु कहा जाता है, और सिख लोग कहते हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त, एक ओंकार निरंकार, एक ही सदगुरु है, बाकी सब है गुरु। तो जब एक ही सत्य माना सच्चा गुरु है, तो बाकी गुरु क्या हो गए? झूठे, झूठे गुरु हो गए। सारे गुरु गुसाएं जो है सृष्टि को नीचे ले गए, भगवान के स्वरूप को खुद नहीं जानते, लेकिन दूसरों को ज्ञान बघाते रहते, सारी दुनिया का डब्बा गोल हो गया, सारी दुनिया की मति भ्रम हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? जिस डाल पर बैठे हुए उसी डाल को काट रहे। एटम बम बनाने वालों को भारत के जो विद्वान आचार्य हैं, वो बहुत ऊंचा समझते हैं या नीचा समझते हैं? ऊंचा समझते, बहुत ऊंचा समझते हैं। ये नहीं समझते उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। जिस दुनिया में बैठे हैं उसी दुनिया का संहार करने के लिए उन्होंने शस्त्र तैयार कर लिए, और उन शस्त्रों को भी विस्फोट करने की अब उनमें ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। वो कार्य भी परमात्मा को कराना पड़ता है, शंकर द्वारा विनाश। हर हर पापों का हरण करता है बम बम। जब बमों के फटाके होते हैं तब दुनिया झुकती है। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। अरे बुद्धि के अहंकार, जो बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है भगवान, उसके सामने अपनी बुद्धि का अहंकार क्यों दिखाना? इसलिए अर्जुन से कहा, अर्जुन तू कोरा कागज बन जा, तू जो कुछ पढ़ा लिखा है वो सब भूल जा। तूने डागली पढ़ाई पढ़ी होगी, ये डागली पढ़ाई जो भारत में आई है वो विदेशियों से आई है, ये डॉग एंड विचेस बनाने वाली पढ़ाई है, कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई। असली पढ़ाई तो दैवत्व वाली पढ़ाई भगवान पढ़ाता है, नर को नारायण बनाने वाली पढ़ाई वो आकर के राजयोग सिखाता है,
उस राजयोग में राज भरा हुआ है कि कैसे स्त्री का संग करते हुए भी, इंद्रियों से कर्म करते हुए भी, कोई भी इंद्रिय का संग करते हुए भी बुद्धि को एकाग्र किया जा सकता है। लेकिन ये ज्ञान परमात्मा ही सिखा सकता है, और कोई मनुष्य गुरु राजयोग नहीं सिखा सकता। आचार्य रजनीश कहते कहते मर गए। योग क्या चीज है तो क्या बताते थे, भोग में योग समाधि लगावे। अरे तुम मर क्यों गए, भोगी बना के अपने चेलों चपाटों को चले गए। अभी भगवान कहता है मैं तुमको वो बुद्धि योग सिखाने आया। मिसाल के तौर पर मिसाल भी बताई दिए, जैसे महबूब अपनी महबूबा की याद में होता है, रास्ता चलते चला जाता है, आंखें खुली हुई होती है, कौन उसकी आंखों के सामने से निकल गया वो उसे पता नहीं लगता है। क्यों नहीं पता लगा, क्योंकि बुद्धि दूसरी जगह एकाग्र थी। तो ये और इंद्रियों का भी यही काम है। जैसे आंख का मिसाल लिया कि आंख ने अपना विषय ग्रहण नहीं किया, उसको दिखाई नहीं पड़ा आंखों के सामने कौन कौन गुजर गया, ऐसे ही कान नाक मुख और जो भी भ्रष्ट इंद्रिय हैं उनका भी यही हिसाब है कि संग में आते हुए भी निस्संग कैसे रहा जा सकता है। उसका मिसाल, संपूर्णता का मिसाल शंकर जी को दिखाया गया। शंकर जी का भोजन क्या था, पेय क्या था, क्या पीते थे, है? अरे कि उनके हाथ में कोई पात्र दिखाया जाता है, कौन सा पात्र दिखाया जाता है, विष पात्र। जो सागर मंथन से विष निकला, विषय विकार निकले, उन विषय विकारों को वो पी गए। हर मनुष्य आत्मा के अंदर वो विषय विकार भरे हुए, वो विषय विकार उन्होंने पी लिए, उनको असर नहीं हुआ। नहीं तो विष पीने के बाद मनुष्य मर जाता है। उनका विषय विकार कहां तक गया, कहते गले में टक गया। गले से आवाज निकलती है ना, तो उन्होंने जो आवाज निकाली वो ज्ञान की आवाज में, ज्ञान अमृत में इतना ताकत है कि विष को भी खलास कर सकती है। नहीं तो ये नियम है, जो व्यक्ति जितना जास्ती विकारी होगा उसकी बुद्धि में ज्ञान अमृत ठहर नहीं सकता। गायन है, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, मिट्टी के पात्र को फोड़ के निकल जाता है। ये शरीर है मिट्टी का पात्र, अगर विकारी है तो मन बुद्धि में विकारी मनन चिंतन मंथन चलता है भ्रष्ट इंद्रियों का, तो बुद्धि विकारी है, मन मिट्टी का पात्र है।